अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं इस्त्री। इस्त्री के फॉल्ट्स और इसके कनेक्शन के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। ये हमारे पास एक पुरानी इस्त्री है फ्रेंड्स, इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग का आपको तरीक़ाकार बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके जो कनेक्शन हैं, ये कनेक्शन इनको रिमूव कर लेते हैं। ये इसकी मेन फ्रंट की वायर है, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं और इसकी जो लाइट है उसको रिमूव कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, इसको हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद इसका ये ऊपर वाला जो हैंडल है, इसके दो स्क्रू लगे हैं, इनको हम जल्दी से खोल लेंगे और इनको खोलने के बाद इसको उतार लेंगे। ये फ्रेंड्स, हैंडल हमने खोल लिया है। खोलने के बाद अभी इसके टॉप कवर को इस तरह से उतार लेंगे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये इसके दो स्क्रू लगे होते हैं और ये इसके ऊपर एडजस्टर लगा होता है जिसकी मदद से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर ये एक कैम टाइप चीज़ बनी होती है जो कि इस वायर को, ये जो वायर होती है एलिमेंट के अंदर इस तरह से लगी हुई, इसको पुश करती है और वापस लूज़ करती है। तो इससे हमारी स्पीड जो है वो कंट्रोल होती है। तो इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स अभी इसका आगे मैकेनिज्म देखते हैं। ये इसके ऊपर वेट लगा होता है, ये इस वेट को खोलते हैं और इस वेट के नीचे फ्रेंड्स ये इसका एलिमेंट लगा होता है, ये हीटिंग एलिमेंट लगा होता है फ्रेंड्स, और ये इसका थर्मोस्टेट होता है। ये थर्मोस्टेट होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स अभी ये जो इस्त्री है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस्त्री गिरी है और गिरने की वजह से इसके कनेक्शंस जो हैं वो टूट गए थे। तो अभी इसको हम रिपेयर करते हैं और इसके तमाम कनेक्शंस की और इसके पार्ट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ्रेंड इसका जो ये ऊपर वेट लगा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। ये फ्रेंड्स कास्ट आयरन का बना होता है जो ये वेट लगा हुआ है इसका, इस वेट को हम खोल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कास्ट आयरन का बना हुआ वेट है और इसके नीचे फ्रेंड्स ये इसका एलिमेंट है जो कि हीटिंग एलिमेंट होता है इस्त्री को गर्म करने के लिए। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये थर्मोस्टेट है। तो थर्मोस्टेट के कुछ कनेक्शंस जो हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। थर्मोस्टेट के फ्रेंड्स कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा कनेक्शन है ये आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रिप जा रही है इस तरह से। इसके ऊपर हम नेगेटिव कनेक्शन देंगे। ये थर्मोस्टेट का ऊपर वाला कनेक्शन है जो कि ऊपर हैंडल की मदद से कंट्रोल होता है, इसके ऊपर हम नेगेटिव कनेक्शन देंगे। और ये दूसरा जो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ये स्ट्रिप जो है ये डायरेक्ट एलिमेंट में जा रही है, तो इसके ऊपर हम एक पॉजिटिव कनेक्शन देंगे। ये फ्रेंड्स दोबारा समझाता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव कनेक्शन देंगे और सिंगल स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव कनेक्शन हम देंगे। उससे ये होगा कि पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट हमारा एलिमेंट के अंदर चला जाएगा और नेगेटिव जो है, नेगेटिव उस टाइम तक ये इसके अंदर नहीं पहुँचेगा जब तक ये थर्मोस्टेट ऑपरेट नहीं होगा। जब ये थर्मोस्टेट ऑपरेट होगा तो इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा होता है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट इस तरह से इसके साथ मिलेगा तो हमारा जो ये हीटिंग एलिमेंट है इसको नेगेटिव करंट यहाँ से मिलेगा और इस तरह से सर्किट कम्प्लीट होगा तो ये गर्म होना शुरू होगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो इसकी लाइट लगी होती है, लाइट का कनेक्शन इस तरह से होता है कि जब हम ये पॉजिटिव कनेक्शन इस जगह दे देते हैं तो लाइट का जो इसका बल्ब होता है उसका पॉजिटिव कनेक्शन हमने स्क्रू में देना होता है। और ये जो सेंटर वाला ये पार्ट है इसका, ये आप देख सकते हैं, इस पर हमने बल्ब का नेगेटिव स्क्रू देना है ताकि जब ये ऑपरेट हो इस तरह से, ये जब ऑपरेट हो पॉजिटिव यहाँ से इसको डायरेक्ट मिला होगा और नेगेटिव जो ये ऑपरेट होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलेगा तो इसको नेगेटिव पहुँचेगा, इस तरह से सर्किट कम्प्लीट होगा और हमारी जो थर्मोस्टेट की ये एलिमेंट की हीटिंग एलिमेंट का सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हीट होना शुरू हो जाएगा और साथ हमारी लाइट भी उसी टाइम जलेगी। तो फ्रेंड्स इसके जो कनेक्शंस हैं जल्दी से वो कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स तमाम कनेक्शन आपको समझाने के बाद इसको वापस जो इसका ये वेट लगे हुए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से जोड़ते हैं। इस तरह से एहतियात के साथ हमने स्क्रूज लगाने हैं ताकि इनके थ्रेड्स सीधे लगें, क्योंकि इसकी थ्रेड्स काफ़ी नाजुक होती हैं तो अगर एक बार टेढ़ी लग जाए तो दोबारा ख़राब हो जाएंगी और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
जी फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्क्रू लगा के अच्छी तरह से टाइट कर देनी है। ये फ्रेंड्स वेट के तीनों स्क्रू अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिए। उसके बाद ये इसकी बैक प्लेट होती है जो आपको मैं दिखाता हूँ जब इस्त्री को उल्टा किया जाता है। ये फ्रेंड्स इस तरह से, तो इसके नीचे ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक स्ट्रिप लगी होती है, ये पतली लगी होती है। ये आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट का, ये इसका थर्मोस्टेट का, ये सिरेमिक फाउंडेशन होता है इसके, और जो ये इस्त्री की नीचे प्लेट होती है हीटिंग प्लेट, इसके सेंटर में इस तरह से ये कट बना हुआ है, ये इस तरह से इसके अंदर फिट आता है। और इसको फिट करने के बाद ये टॉप से यहाँ इसका स्क्रू लग जाएगा। और ये फ्रेंड्स इसका स्क्रू लगा के अच्छी तरह से हम टाइट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स स्क्रू लगाने के बाद हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। ये फ्रेंड्स स्क्रू लगाने के बाद, इस प्लेट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद, अब इसका ये टॉप वाला कवर जो है इसको लगा लेंगे। लेकिन इसको लगाने से पहले हमने ये फ्रेंड्स ये जो वायर है इसकी लोकेशन भी हमने देख लेनी है। ये फ्रेंड्स इस तरह से हमने अच्छी तरह से फिट कर लेना है इसको। ये फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको फिट करना है कि ये जो बैक प्लेट है, ये फ्रेंड्स जो हमने प्लेट टाइट की थी, ये इस ऊपर वाले कवर के अंदर आए अच्छी तरह से। ये फ्रेंड्स जोड़ने से पहले आपने देख लेना है कि ये जो स्क्रू है इसके नीचे, ये आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप है, ये स्क्रू के नीचे इस तरह से प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए, साइड पे इधर उधर ना हो जाए, वरना ये एडजस्ट नहीं होगा। ये इसका एडजस्टर होता है जो टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको चेक करने के बाद अभी हमने ये इसका कवर लगाना है। ये फ्रेंड इस तरह से इसका कवर लगता है, लेकिन कवर लगाने से पहले हमने ये वायर लगानी नहीं भूलनी। ये फ्रेंड इस तरह से इस होल के अंदर हमने इसको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद इस तरह से ये फ्रेंड्स इस पॉइंट से हमने इसको बाहर निकाल देना है, ये ताकि इस तरह से पुश हो। और इसको ऊपर निकालने के बाद फ्रेंड्स ये हमने अच्छी तरह से इस तरीके कवर को बिठा लेना है, और इसको बिठाने के बाद हमने चेक कर लेना है कि ये जो हमारी ये नीचे वाली स्ट्रिप है, ये भी अच्छी तरह से इस कवर के अंदर फिट हो जाए। तो इस तरह से फिट करने के बाद फिर हमने इस वायर का जो ये वायर का जो टॉप वाला हिस्सा है इसको हमने, ये आप देख सकते हैं ये जो हैंडल है, इसके स्क्रू निकाल लेते हैं हम। स्क्रू निकालने के बाद फ्रेंड्स ये इसके अंदर ये एक होल बना हुआ है जिसके अंदर ये कैम लगी हुई है जो स्पीड को कंट्रोल करती है। तो हमने इस होल के अंदर इसको वायर को अच्छी तरह से देख के बिठा लेना है, और इस तरह से बिठाने के बाद इसके जो स्क्रू हैं दो वो हमने लगा देने हैं। ये फ्रेंड इस तरह से इसकी जो ये स्ट्रिप्स हैं, ये जो इसके कनेक्शंस के टर्मिनल हैं, इनको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं ये टर्मिनल इस तरह से हमने एडजस्ट किए हैं। एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको स्क्रू लगा देंगे। ये फ्रेंड इस तरह से स्क्रू लगा कर हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, और अच्छी तरह से इनको टाइट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके फ्रेंड्स ये कनेक्शन करेंगे। जैसे आपको बताया था, यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और यहाँ इसके बल्ब का पॉजिटिव, और यहाँ सेंटर में बल्ब का नेगेटिव लगाएंगे। तो इस तरह से भी हम इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स जल्दी से आप इसके कनेक्शंस कर लेते हैं।
ये फ्रेंड्स नेगेटिव वायर जो है वो हमने अच्छी तरह से लगा लिया, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम पॉजिटिव वायर इसके लगाएंगे। और ये फ्रेंड्स इसका जो पॉजिटिव कनेक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। ये इसकी एक छोटी वायर होती है, ये जो नेगेटिव होती है, और ये इसकी पॉजिटिव वायर होती है, और इसके अंदर एक रजिस्टर लगा होता है। ये फ्रेंड्स लंबी वायर होती है इससे थोड़ी सी, तो इसके अंदर रजिस्टर लगा होता है। इसको हमने पॉजिटिव वायर के ऊपर लगाना है, जहाँ हमने इस तरह की पॉजिटिव वायर को अटैच करना है, उसके साथ ही इस बल्ब के पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये फ्रेंड्स दोनों वायर्स हम इसके पॉजिटिव पे लगा देते हैं। ये फ्रेंड्स हमने लगा के अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के बाद ये हमने राइट साइड पे जो वायर वाली साइड है इस पे इस तरह की जो वायर है उसको रखना होता है, और जो लेफ्ट साइड होती है इस पे हमने बल्ब को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स बल्ब का तीसरा कनेक्शन अभी कर लेते हैं हम, जो हमने थर्मोस्टेट के साथ देना है। ये फ्रेंड्स यहाँ सेंटर में जो थर्मोस्टेट से आने वाला नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स हमने इनको कनेक्ट कर लिया और अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद अभी फ्रेंड्स हम ये बल्ब जो है इसको इस लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, और ये जो हमारी रबड़ है जी फ्रेंड्स इस रबड़ को और इस वायर को हमने राइट साइड कर देना है इस तरह से। और इस तरह से इनको रखने के बाद फ्रेंड्स इसका ये जो बैक का कवर है ये हमने लगा देना है। ये फ्रेंड्स इस तरह से अच्छी तरह बिठाने के बाद हमने इसका जो स्क्रू है उसको टाइट कर देना है कुछ इस तरह से। और ये फ्रेंड्स हमारी जो इस्त्री है वो चलने के लिए रेडी हो गई है। अभी हम इसको चला के चेक करेंगे, इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, और फिर उसके बाद इसका ये जो कवर है इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। फ्रेंड्स इस्त्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद अभी हम इसको ऑन करके चेक करने लगे हैं। तो ये इसका प्लग हमने लगाया, लगाने के बाद यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि लाइट ऑन होती है ये नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारी इस्त्री जो है ये ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स इसकी लाइट ऑन हो चुकी है और ये गर्म होना शुरू हो गया। ये फ्रेंड्स ट्रिप कर चुकी है हमारी इस्त्री। अब अगर हमने मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाना हुआ तो उसका भी तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। आपने बेहतर यह है कि इसका प्लग जो है उसको निकालें। उसको निकालने के बाद फ्रेंड्स इसको इस तरह से स्क्रू जो है इसका इसको हल्का हल्का लूज़ करें। ये फ्रेंड्स इस तरह से ये फ्रेंड्स हमने इसको लूज़ किया, और लूज़ करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमने मज़ीद बढ़ा दिया है। जितना स्क्रू को लूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इस्त्री गर्म होगी, और जितना इसको टाइट करेंगे उतनी जल्दी ये ट्रिप होगी। तो इस तरह से आपने इसको अपने टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी हमारी इस्त्री अपना टेम्परेचर पूरा करके ट्रिप हो चुकी है, और अब हम वेट करते हैं कि ये थोड़ी सी ठंडी हो और दोबारा ऑन हो तो हम इसको चेक करें, और चेक करने के बाद फिर इसका कवर लगा दें। तो ये फ्रेंड कुछ टाइम के लिए हम वेट करते हैं। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारी इस्त्री दोबारा ऑन हो चुकी है, और ये दोबारा ऑन होने के बाद अपना टेम्परेचर पूरा कर रही है, और टेम्परेचर करने के बाद ये लाइट आपके सामने है फ्रेंड्स, ये ट्रिप कर जाएगी। ये फ्रेंड्स अपना टेम्परेचर पूरा करके हमारी इस्त्री दोबारा से ट्रिप कर चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी इसका जो टॉप वाला कवर है ये कवर हम लगा देते हैं,
और ये फ्रेंड्स हमारी स्त्री जो है इसकी मेंटेनेंस मुकम्मल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफज़ाई होती रहे। आपके सब्सक्राइब और लाइक से फ्रेंड्स हमारी हौसला अफज़ाई होती है और हम मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।